हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आशीष आपका माय डिजिटल लाइब्रेरी पर स्वागत करता हूँ। आज हम एक टेक्निकल वीडियो देखेंगे। इसके अंदर में ये सीखेंगे कि कैसे हम एक मोबाइल के द्वारा एक एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या हमें प्रोसेस करना है वो हम इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है एक्स रिकॉर्डर। क्या टाइप करना है? एक्स रिकॉर्डर। ठीक है, तो और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो पूरा नाम एक बार देख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर। ठीक है, तो मेरे में जैसा कि इंस्टॉल्ड है तो मैं चलता हूँ अब अपने ऐप की ओर, आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जब आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे ये वो सारी वीडियो से जो मैंने शूट कर रखी हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रखी हैं। और इसके अंदर हमें चार ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ एक वीडियो का है, यहाँ एक स्नैपशॉट का है, इधर पे कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है उसके बारे में चल रहा है। और अभी इसके नीचे यहाँ पे आप दो देखेंगे, ये देखिए एक सेटिंग का था और एक वीडियो के बारे में और प्रोसेस करना है उस चीज़ के ऊपर है। तो चलो हम सबसे पहले सेटिंग पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेटिंग है, जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ ना, ये सेटिंग है। तो ये हम सेटिंग पे एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग पे एंटर कर गए। तो इसके अंदर एक एक फ़ीचर हम देख लेते हैं ताकि आप अपनी सेटिंग कर लें उस प्रकार। आपको देखिए पहला ऑप्शन दिखता है इसमें रेजोल्यूशन, जो कि मैंने 720p पे कर रखा है। ठीक है, इसके ऊपर एडवांस में भी है, 1080p भी है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसी अनुसार है, 320p, 144p। तो आप बेहतर के लिए 720p कर लीजिए या 1080p कर लीजिए, हैं, ताकि एक रेजोल्यूशन अच्छी खासी आए। फिर आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी में आप ऑटो रखिएगा, FPS को भी मत छेड़िएगा, ऑटो रखिएगा। ओरिएंटेशन, ठीक है, तो दो तरह का दे रखा है, एक लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब है जब नॉर्मल स्क्रीन जैसे मोबाइल आपका दिखता है जब आप कॉल करते हैं, तो जो उस वक्त की पोजीशन होती है उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। और लैंडस्केप का मतलब है जब आप जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, आप एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो पूरी स्क्रीन मतलब चौड़ी शेप में आती है ना, तो उस फॉर्मेट को हम कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है, अगला है हमारा रिकॉर्ड ऑडियो। तो आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड ही करेंगे क्योंकि आप जब लेक्चर ले रहे हैं तो आप बोल रहे होंगे, इसलिए आप इसको ऑन कर देंगे। और हमेशा एक माइक्रोफोन का ही यूज़ करना ताकि आपकी अच्छे से आवाज़ कवर हो, नहीं तो क्या होता है आपका बैकग्राउंड नॉइस भी कवर हो जाती है, या पंखे की आवाज़ आ रही है तो वो सब भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। तो एक माइक्रोफोन यूज़ करिएगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है सेव लोकेशन। सेव लोकेशन का मतलब आप अपने मोबाइल में स्टोर करना चाहते हैं, यानी इंटरनल या एक्सटर्नल। तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल कर रखा है, अगर आपके अंदर इंटरनल है इंटरनल करिए, या जैसी आपकी सुविधा हो एक्सटर्नल इंटरनल चूज़ कर लीजिए। इसको इग्नोर मारना, इसको इग्नोर मारना, नीचे चलते हैं। ठीक, अब आता है हमारा कंट्रोल सेटिंग्स। तो कंट्रोल सेटिंग्स में देखिए ये पहला है रिकॉर्डिंग मोड, तो इसको परफॉर्मेंस मोड में डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला है काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट। तो देखिए काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट में क्या है कि आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं, 3 सेकंड, 5 सेकंड, मैंने 5 सेकंड का गैप ले रखा है ताकि आप जब वीडियो शूट करें, रिकॉर्ड करें, तो उतना आपको गैप मिल जाएगा। फिर उसके बाद है अगला ऑप्शन, हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो इसको ऑफ़ रखना है। फिर लिखा शेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसको भी ऑफ़ रखना है। ठीक है, तो इसको ऑफ़ रखना है, इसको ऑफ़ रखना है। फिर अगला है कीप रिकॉर्डिंग व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ, इसको भी ऑफ़ रखना है। ठीक है, फिर आता है टूल्स। टूल्स के अंदर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो इसको ऑन कर देना, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी जब आप क्लास ले रहे हैं। तो ये हो गया आपकी, इसको ऑफ़ कर दिया कैमरा। इसको अगर आप अपना दिखाना चाहते हैं, अपना फेस भी दिखाना चाहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे हाव भाव के साथ बता रहे हैं, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और तब आपका कैमरा भी दिखाएगा। और ब्रश, ब्रश से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये मैं भी कर रहा हूँ, आप किसी भी पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं ना, अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रश उस काम का आएगा। अगर आपको ब्रश का कलर चेंज करना, तो यहाँ देखिए इस ब्रश पे मैं जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इसको दूसरा कलर ले ले रहा हूँ ना, लाल ले रहा हूँ। देखिए जैसे ये लाल हो गया, अब जो ये है इसको क्रॉस करूँगा तो ये सारा गायब हो जाएगा, आई मीन जो भी मैंने ब्रश से मार्क किया है। ठीक है, और ये बैक का बटन है। तो बस ये बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए इस पे चलते हैं, जो पहला वाला ऑप्शन है जहाँ पे हमारा वीडियो लिखा है, किस पे क्लिक किया मैंने, इस पे। ठीक है, तो इस वीडियो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी तमाम वो वीडियोज़ आएंगी जो आपने शूट किया है, आपने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो कैमरा वाला बना है, यहाँ पे आपकी वो सारी तस्वीरें आ जाएंगी जो आपने स्नैपशॉट लिया है ना, आपने फ़ोटो खींची है, तो वो सारी फ़ोटो आ जाएंगी।
और यहाँ पे जो ये पेन सा बनाया है साइन, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर आप और भी काम कर सकते हैं, कुछ एडिट करना है, एडिट फोटो करना है, मर्ज वीडियो और फोटो करना है तो ये कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए तो उस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक पीडीएफ लेंगे और उस पीडीएफ में कैसे हमें पढ़ाना है, मतलब एक हल्का सा गाइडलाइन ले लेते हैं ना एक्स रिकॉर्डर को यूज़ करते हुए। तो अब मैंने दबाया एडोब रीडर, इसका नाम है एडोब एक्रोबेट रीडर, ठीक है। अब इसमें मेरी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं तो मैं एक फाइल्स लेता हूँ, ये ले ली जैसे मैंने, ठीक है। अब ले ली तो ये मेरा जहाँ चैप्टर, ये मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। ऐसे कोई सा भी आप पीडीएफ खोल लीजिए, जो भी आपने मैटर लिखा है वो पूरा लिख लीजिए, डायग्राम वगैरह ले लीजिए। अब डायग्राम के बाद आप पहले से ही जैसे मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसका कैसे कर सकते हैं ये देखिए। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो है इस पे मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मेरे को पीडीएफ का पेन मिल जाएगा, ठीक है, हाईलाइटर। तो ये देखिए मैं जाता हूँ और ये मेरे को यहाँ पे पेन मिल गया है ना, तो इस पेन को मैं लूँगा तो ये मेरा हाईलाइट का काम करेगा। तो ये मैंने हाईलाइटर ले लिया। अब मुझे जैसे ये ब्लैक वाला सूर्य ताप के प्रभावित करने वाले तत्व को हाईलाइट करना है, तो मैंने इसको पकड़ के ये देखिए हाईलाइट कर दिया है ना। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब आपको जो भी समझाना आप समझा सकते हैं, और जो आपको हाईलाइट करना है उस वक्त बताना है कि जिस पॉइंट पे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि हमारा वायुमंडल है मतलब एटमॉस्फेयर है, ये हमारा सूरज यानी सन है, ठीक है, इंसुलेशन यानी सूर्य ताप, जो भी डायग्राम है आप अपने स्क्रीन पे, स्क्रीन टच मोबाइल पे जब टच करेंगे तो ये आपका ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं और आप समझा सकते हैं, ठीक है। और पीछे बैकग्राउंड पे आपका एक्स रिकॉर्डर चल रहा है, ठीक है। और जब आपका वीडियो शूट हो जाए, जब आपको लगे कि सब कुछ हो गया, तब आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे ये आपका पॉज का बटन है ऊपर, है ना, ये देख रहे हैं ये जो पॉज का बटन है, और फिर ये टर्मिनेट का, मतलब वीडियो का टर्मिनेट हो जाएगा तो हम वीडियो टर्मिनेट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, और इस तरीके से और वीडियो आपको जानना हो उसके बारे में भी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।